इन लोगों के तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं बनाए जाते अभी तक। हैरान है कि उनके लिए कोई कानून साजी भी हम करें या ना करें। चलो ये मेहरबानी है मौजूदा वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी साहब की, उनसे हमारे 99% इख्तलाफ होते हैं लेकिन 1% जो इतफा होता है तो ये भी जहां उसका हक बनता है उसको अप्रिशिएट किया भी जाना चाहिए। उन्होंने पहली दफा बलूचिस्तान में उनके लिए स्कॉलरशिप रखे कि अगर आप ख्वाजा सरा हैं, बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है तो आपकी एजुकेशन के एक्सपेंस बलूचिस्तान हुकूमत देगी। सबसे पहले ये बदबخت जो हमारे यहाँ क्वेटा में है ना, जो इन्होंने स्पेशली इस क्रिश्चियन कम्युनिटी का जितना इस्तेसाल इस सूदखोर जालिमों ने किया हुआ है ना, पूरे पूरे घराने इन इन बेचारों के जो है ना तबाह किए हुए हैं। तरह तरह की उनकी एक्सप्लोइटेशनें होती हैं, हर तरह की उनकी एक्सप्लोइटेशनें होती हैं। वो बेचारे तीन तीन नौकरियां करके भी इनके सूद नहीं चुका पाते। पता नहीं हुकूमत इस तरफ भी कब ध्यान देगी। जो कम में हूँ ना उनकी ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए, लेकिन हम उनको ज़्यादा दबाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम कहते हैं बलोच पश्तून सूबा है, इसमें जो दूसरी कौम है उनका ज़्यादा ख्याल रखा जाए बजाय उन पर उनको मज़ीद दबाने के या उनको एहसास कमतरी में मुबतला करने के। तो ये वो चीज़ ये वो समझ सकते हैं जो खुद किसी सोसाइटी में एज अ कम्यूनिटी रहे हों। तो इस चीज़ पर ज़रूर हमें इंसानियत वाला जो स्टेप है ना उसको देखना चाहिए। हम इस चीज़ को शुगल बनाते हैं, हम किसी को कमज़ोर दे के उसका इस्तेसाल करना फ़र्ज समझते हैं। तो वो यही फरमा रहे थे कि यार उसके बच्चों पर क्या असर पड़ता होगा, मतलब क्या है, पहले उनके जो ताने उनको दिए जाते होंगे क्या सफाई वाले भंगी पता नहीं क्या क्या ऐसे अलकाबाद दिए जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, जो कि बड़े दुख वाले होते हैं, बड़े तकलीफ़ वाले होते हैं। और फिर जब वो देखते हैं कि उनके मतलब हर एक से जा रहा है, उसके हाथ में झाड़ू है या ये है वो है, तो उनका वो क्या कहते हैं, वो जो ईगो है, वो जो बेचारों में वो क्या कहते हैं सेल्फ स्टीम है, वो कहाँ उन बच्चों में आती होगी। एक और लाए हैं वज़ीर आला साहब, पिंक कलर की बाइक्स वगैरह छोटी छोटी लाए हुए थे कल मैं देख रहा था। ये भी अच्छा है, ठीक है, हमारी बेचारी बच्चियाँ वगैरह जो है ना, और सबसे अहम जो उसको कलर ऐसा दिया है कि भाई ताकि जिस तरह हर चीज़ को स्कॉलरशिप भी अगर बहन बेटी को मिले वो भाई वालिद और भाई ले जाते हैं कि भाई वो उस पर भी उस बेचारी का पूरा हक नहीं होता। तो ये एक अच्छा स्टेप है कि ये दें, चलो इसी बहाने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वो इतना हूँ कि किसी की मुताज ना हो, ये भी अच्छा स्टेप है। तो वज़ीर आला की अप्रोच इस तरह हो, वज़ीर आला मसलहत पसंद। अब वज़ीर आला वज़ीर दाखला नहीं है, बदकिस्मती से वज़ीर आला बलोचिस्तान अभी तक वज़ारत आला को भी वज़ीर दाखला टाइप पर चला रहा है कि भाई जो स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं ये बैनुल सूबा स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटियों के, जब से बलोचिस्तान बोर्ड और डायरेक्टर वालों ने लेना शुरू कर दिया है, आपकी जो स्टूडेंट जाते हैं पहला सेमेस्टर भी पास नहीं कर पाते। क्यों? सारे सिफारिश और पैसे के बलबूते पर जाते हैं, टेस्ट महज एक फ्रॉड होता है जिसकी वजह से ये इश्यूज बनते हैं। जब स्कॉलरशिप्स बीफ के थ्रू हो रहे हैं तो आप उसको बीफ के थ्रू कनेक्ट क्यों नहीं करते हैं? और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि बीफ में चलो अभी वाला है इसकी अच्छी रेप्यूटेशन है, इससे पहले वाले की भी थोड़ी बेहतर थी एक दो से, लेकिन अगर इसमें भी बलूचिस्तान की मेजोरिटी ब्यूरोक्रेसी पता नहीं कैसी आ जाए, अगर वो आ गए तो फिर तो इसका भी पता नहीं है। अच्छी चीज़ जो है वो मेरे ख्याल में अच्छी सी है, चाहे पंजाब अच्छी सी हो चाहे वफाकी। कोशिश ये करें बलूचिस्तान जो बाहर की सीट्स वाले हैं या वो एग्ज़ाम है वो उससे कंडक्ट करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज हम बात करेंगे कि बदकिस्मती से बलूचिस्तान के हालात काफ़ी तल्ख हैं और हम हर वक्त सिक्योरिटी सिचुएशंस पे ज़्यादा बात करते हैं, गो कि मेरा कोर सब्जेक्ट वही है, लेकिन एक दो अच्छे काम हुए हैं उनको मेरे ख्याल में अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए और थोड़ी बहुत तजावीज़ हैं। उम्मीद है कि हुकूमत कुछ करेगी और हमारी जो ये यूथ है इनका कुछ भला होगा। और तीसरा कि हम लोग कितने कुन ज़हन हैं
और कितने हम छोटे लोग हैं जो ऐसा समझते हैं, तमाम की नहीं, जो ऐसा समझते हैं कि हम किसी के पेशे को किसी की जात और कबीला बनाते हैं। सबसे पहली जो अच्छी खबरें हैं कि बीफ स्कॉलरशिप बलूचिस्तान हुकूमत जो देती है तो अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है, मेरिट पर चीज़ें चल रही हैं, बलूचिस्तान के जो टैलेंटेड यूथ है, जो गरीब लोग हैं, तो बलूचिस्तान हुकूमत उनको बाकायदा स्कॉलरशिप दे रही है, और कई ऐसे गरीबों के बच्चे हैं जो ये स्कॉलरशिप लेकर हायर एजुकेशन ले रहे हैं, और अब तो पीएचडी के लिए भी बाकायदा अगर कोई बाहर पढ़ना चाहता है उसके लिए भी स्कॉलरशिप आए हैं। गो के इसको मज़ीद वसत दी जाए, हम बाकी सूबों से अभी तक बहुत पीछे हैं, लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि गरीब के बच्चे को भी कुछ मिल रहा है, कम्पिटेंट लड़के को भी कुछ मिल रहा है। इसके जो सीईओ हैं जिक्रिया खान नूरजई साहब, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये हुकूमत जब बनी थी एक अटेम्प्ट हुई थी इस सीईओ पर, पता नहीं कौन सा एक लेक्चरर उठा के ला रहे थे यूनिवर्सिटी का, वो भाई वो एक बंदा है, एक अच्छा काम कर रहा है, क्यों हर जगह के अपना बंदा एडजस्ट कर रहा है, हम लोग नहीं देखते कि उसके क्या असरात होंगे। हम ये कहते हैं कि यार बदकिस्मती क्या है, मेरी कहीं बात भी हो रही थी कि हमारी तबाही व बर्बादी, कि मैं देखता हूं कि यार मैं अब आ गया हूं हेड पोजीशन पे, तो अब मैं कहां कहां अपना घर वाला या अपना दोस्त एडजस्ट कर सकता हूं, तो मैं करूं, बेशक उसकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल उसके अपोजिट हो, किसी भी तरह मैं उसको वहां एडजस्ट कर देता हूं। तो जाहरी बात है, एक डॉक्टर को आप इंजीनियर का काम दोगे तो वो तो नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए हमारे ये दायरे बैठ जाते हैं, लेकिन हम उस तरफ ख्याल और ध्यान नहीं देते। आज एक स्कॉलरशिप आया हुआ था मिनोरिटीज के लिए, इससे पहले जो एक अच्छा आया हुआ था ट्रांसजेंडर के लिए, ख्वाजा सरा के लिए। ख्वाजा सरा ऐसी कम्युनिटी है हमारी, स्पेशली पूरी दुनिया में, और हमारा खिता तो फिर जालिमों में फिर नंबर वन है ना, हम तो ऐसे जालिम लोग हैं कि अपने घर वाले माँ बाप उसको घर से निकाल देते हैं कि आप जो है ना निकल जाएं, हमारे लिए मसले बना रही हैं, बहन भाई उसको निकाल देते हैं, तो वो फिर जिन चीज़ों में लग जाते हैं, भीख मांगना या कोई और इलीगल कामों में, फिर हम क्या गिला करें। बहैसियत मुआशरा हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, बहैसियत सोसाइटी हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, बहैसियत हकूमत हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। वो अगर ये काम ना भी करे, सपोज क्या कहीं जॉब भी करे, तो वो बेचारा वहां भी हरेस होते हैं, तो अनफॉर्चुनेट है ना ये। अभी आपने देखा वो पिशावर में वो एक ख्वाजा सरा के साथ क्या हुआ, जोर जबरदस्ती, बड़े कबायली, बड़े हम गैरतमंद बनते हैं, लेकिन हमारी इन मजलूम तरीन लोगों पर हम अपनी गैरत दिखा रहे होते हैं, अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे होते हैं। बस इंसान हैरान होता है कि यार हम इंसान कहलाने के लायक हैं कि हम ऐसे आजीज लोगों को तकलीफ देते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। बस अल्लाह माफ करे, अल्लाह बचाए, इन लोगों के तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं बनाए जाते। अभी तक हैरान है कि उनके लिए कोई कानून साजी भी हम करें या ना करें। चलो ये मेहरबानी है मौजूदा वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज मुफ्ती साहब की, उनसे हमारे 99% इख्तलाफ होते हैं, लेकिन 1% जो इक्तफा होता है, तो ये भी जहां उसका हक बनता है उसको अप्रिशिएट किया भी जाना चाहिए। उन्होंने पहली दफा बलूचिस्तान में उनके लिए स्कॉलरशिप रखे कि अगर आप ख्वाजा सरा हैं, बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है, तो आपकी एजुकेशन के एक्सपेंस बलूचिस्तान हुकूमत देगी। तो ये बहुत बड़ी चीज है, और इतने थोड़े बहुत स्कॉलरशिप हैं उसका कुछ रेंट मेंट भी निकल आएगा, और उम्मीद है कि अगर वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो इन बेचारों को मेरे ख्याल में घर से तो एक टका नहीं मिलना, उल्टा इनको बाकियों की निस्बत कुछ ज्यादा दिया जाए ताकि इनको रेजिडेंस या दूसरा इशू ना हो। तो ये हकूमत का बड़ा अच्छा और बेहतरीन और इंसानियत दोस्त फैसला था। एक और स्कॉलरशिप आज नजर से गुजरा, वो मिनोरिटीज के लिए था। मिनोरिटीज जो हमारे गैर मुस्लिम बहन भाई हैं, ये मुल्क जब से बना है ना, तो हम कहते तो हैं कि हमने ये सफ़ेद रंग रखा है मिनोरिटी से मोहब्बत के लिए, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए। कैद आज़म ने भी फरमाया कि भाई आप आज़ाद हो, आप चाहे जिसमें मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ, चर्च में जाओ, लेकिन ये सिर्फ ज़बानी बातें थी, अमल इस पर नहीं हुआ।
سب سے پہلے یہ بدبخت جو ہمارے یہاں کوئٹہ میں ہے نا, جو انہوں نے اسپیشلی اس کرسچن کمیونٹی کا جتنا استحصال اس سود خور ظالموں نے کیا ہوا ہے نا, پوری پورے گھرانے ان بیچاروں کے جو ہے نا تباہ کیے ہوئے ہیں. طرح طرح کی ان کی ایکسپلوئٹیشنیں ہوتی ہیں, ہر طرح کی ان کی ایکسپلوئٹیشنیں ہوتی ہیں. وہ بیچارے تین تین نوکریاں کر کے بھی ان کے سود نہیں چکا پاتے. پتہ نہیں حکومت اس طرف بھی کب دھیان دے گی. تو آج اسکالرشپ دیکھا, کہیں کہیں دیکھتا ہوں ان کے افسران, تو میرے خیال میں آج بھی ہمیں اچھی چیز جو کہیں ملتی ہے تو وہ کوئی ہندو کی دکان ہوتی ہے, وہاں سے میرے جیسے جو مسلمان بیٹھے ہیں ان سے اچھی چیز وہ بیچ رہا ہوتا ہے. کہنے کو بس ہمارا مذہب یہ کہتا ہے, دین یہ کہتا ہے, لیکن ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لوگ ہیں, ان کی جو کم میں ہوں نا ان کی زیادہ ترجیح دینی چاہیے, لیکن ہم ان کو زیادہ دباتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں بلوچ پشتون صوبہ ہے, اس میں جو دوسری قوم ہے ان کا زیادہ خیال رکھا جائے, بجائے ان پہ ان کو مزید دبانے کے یا ان کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے. تو یہ وہ چیز, یہ وہ سمجھ سکتے ہیں جو خود کسی سوسائٹی میں ایز اے کمیونٹی رہے ہوں. تو اس چیز پر ضرور ہمیں انسانیت والا جو سٹیپ ہے نا اس کو دیکھنا چاہیے. تو مینورٹیز ہماری کہیں آتی ہے, جابز آتی ہیں, جہاں یہ ہوتا ہے کہ سویپر وام دیکھتے ہیں, وہ کرتے ہیں کوالیفیکیشن ہی غیر مسلم. یار یہ کرائیٹیریا ہم نے رکھا ہوا ہے کہ اس بیچارے کے لیے یہی جاب ہوگی. اب یہی چیز اگر ہم جائیں امریکہ لندن, وہاں پہ یہ لکھی ہو کہ جسٹ مسلمز آر ایلیجیبل, تو ہمارے کیا ایموشنز ہوں گے. اور دوسرا ہم نے ان کو اتنا مجبور کیا, اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی مخصوص ایک علاقہ بنائے ہوئے, اسی ایک چھوٹے چھوٹے گھر میں چار چار پانچ پانچ فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں. کیوں, جس طرح میں نے کہا نا سود خوروں نے تو ذلیل کر کے رکھ دیا ان کو, تو وہ سارا ہو کہ وہ بس بڑی مشکل سے بیچارے اپنا گزارا کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں, میری ایک بیوروکریٹ کے ساتھ کہیں ایسے بات ہو رہی تھی, تو وہ ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھتے تھے, وہ بھی کیونکہ بڑے ان کا بیک گراؤنڈ بھی بڑا کمزور تھا, تو وہ آئے تو وہ ہر چیز سمجھتے تھے بھی تھے, دیکھتے بھی ہیں. تو ان سے جب بات ہو رہی تھی تو وہ اس چیز کو کہ یار یہ ہم کتنی ناانصافی کرتے ہیں, وہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس چیز کو سمجھنے امریکہ اس حوالے سے بڑا وہ ہے, وہاں پہ تحریکیں چلیں, بڑا لوگوں نے دیکھا نیگروز, دوسرے ایشو ہوئے, تو وہاں پہ یہ چیزیں بڑی دیکھی جاتی ہیں کہ یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے, ہر حوالے سے پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہے. لیکن ہم بہت اچھی ہیں, ہم اس چیز کو شگل بناتے ہیں, ہم کسی کو کمزور دے کے اس کا استحصال کرنا فرض سمجھتے ہیں. تو وہ یہی فرما رہے تھے کہ یار اس کے بچوں پر کیا اثر پڑتا ہوگا, مطلب کیا ہے, پہلے ان کے جو تانے ان کو دیے جاتے ہوں گے, کیا صفائی والے, بھنگی, پتہ نہیں کیا کیا ایسے القابات دیے جاتے ہیں انفارچونیٹلی, جو کہ بڑے دکھ والے ہوتے ہیں, بڑے تکلیف والے ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مطلب ہر ایک سے جا رہا ہے, اس کے ہاتھ میں جھاڑو ہے یا یہ ہے وہ ہے, تو ان کا وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو ایگو ہے, وہ جو بیچاروں میں وہ کیا کہتے ہیں سیلف اسٹیم ہے, وہ کہاں ان بچوں میں آتی ہوگی. اور یہ دیکھتے ہوں گے, اور پھر ہماری سوسائٹی میں جن بچوں کے ساتھ وہ پڑھتے ہوں گے, وہ بچے ظاہری بات ہے ہم بینگ اے سوسائٹی تو سیوک سینس میں تو ہم میں تو اس طرح ہے نہیں, تو ان کے وہ بچے ان کو کیا تانے دیتے ہوں گے. تو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ بہت بڑے مسئلے ہیں, ان کو ہم بچہ جب پیدا ہو اس وقت سے اس کو سکھانا شروع کر دیں کہ انسانیت کیا ہے, کس کمیونٹی کی کیا خاصیت ہے, ہر انسان کی خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں, قبیلہ مذہب یہ ان چیزوں سے بالاتر ہو کر دیکھنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز ہے تو ہم اس کو دیں, کیوں بھائی یہاں پہ کوئی اور سوٹیبل نہیں ہے. لیکن کیا کریں, اور ہمارے تو الحمدللہ ہمارے والے بڑے ترم خان تو یہ کام کرتے نہیں ہیں نا, دوسرے ملکوں میں جا کے کریں گے, یہاں نہیں کریں گے. تو یہ وہ تلخ باتیں ہیں, لیکن چلو آج اسکالرشپ دیکھا, بڑی خوشی ہوئی کہ کم سے کم اس اسکالرشپ سے کچھ بچے تو ہوں گے جن کو اسکالرشپ ملے گا, ان کو کچھ بہتر فیوچر ہوگا. تو یہ حکومت بلوچستان کا یہ اسکالرشپ بھی بڑا بہترین پروجیکٹ ہے. ایک اور لائے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب, پنک کلر کی
बाइक्स वगैरह छोटी छोटी लाए हुए थे, कल मैं देख रहा था। ये भी अच्छा है, ठीक है, हमारी बेचारी बच्चियाँ वगैरह जो है ना, और सबसे अहम जो उसको कलर ऐसा दिया है कि भाई, ताकि जिस तरह हर चीज़ को स्कॉलरशिप भी अगर बहन बेटी को मिले, वो भाई वालिद और भाई ले जाते हैं कि भाई वो उस पर भी उस बेचारी का पूरा हक नहीं होता। तो ये एक अच्छा स्टेप है कि ये दें, चलो इसी बहाने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, वो इतना हूं कि किसी की मोहताज ना हूं, ये भी अच्छा स्टेप है। अब तीसरी बात कि अब हम किसी के पेशे को किसी की कौम बनाते हैं, मतलब अब कारपेंटर का काम है, हम उसको पता नहीं क्या अलकाबात दे देते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि ये जो गाने वाले हैं, ये तो उसका काम है या पेशा है, फन है, लेकिन हम उसको अलकाबात हमने बनाया हुआ है, मतलब बड़े उसमें उसको आर्टिस्ट कहते हैं, इस उसमें जो है ना कोई उसे क्या अलकाब दे रहा होता है, क्या अलकाब दे रहा होता है, मतलब वो ठीक है, वो गाता है, गाने वाला है, वो उसकी कौम तो नहीं है ना, कारपेंटर है वो उसकी कौम तो नहीं, उसका पेशा है, लेकिन हमने बनाया हुआ है। क्या एक पेशा हो, हमने कभी कहा किसी को कि ये इसका कबीला या इसकी कौम जो है ना ये डॉक्टर है, इसकी कौम इंजीनियर है, इसकी कौम जर्नलिस्ट है, नहीं कहा, लेकिन उन बेचारों को उस चीज से बिल्कुल उनकी उनका कबीला और कौम बना दिए हैं। ये हद है हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में आ जाने से, अंग्रेज दौर से ये चीजें हुई हैं, किसी के पेशे को उसकी कौम बना दिया, कबीला बना दिया। तो ये चीजें छोटी नहीं है, मामूली भी इतनी नहीं है अगर हम गौर करें तो। सोसाइटी लेवल पे भी हमने देखना होगा, और हुकूमत बलूचिस्तान के ऐसे फैसले, उम्मीद है वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब ISPR की जो तर्जमानी हर वक्त करते हैं हर स्पीच में, उससे हट के इस चीज़ पर अपने ये इकदाम गिनवाएंगे कि भाई मैं ये स्कॉलरशिप दे रहा हूँ, इस थ्रू आप यहाँ यहाँ जाएं, ये करें, और साथ में कहें कि कलादम तंजीमों के जो उनके बच्चे भी हैं, स्कॉलरशिप उनके लिए भी हैं, हमने उनके बच्चों को भी उस जानिब नहीं लेके जाना, उनको भी हमने पढ़ाना है लिखाना है, और अगर वो आते हैं तो वेल एंड गुड, उनके लिए भी वो भी आए, अपनी एनर्जियां सूबे की बेहतरी के लिए खर्च करें, ना कि मरने या खुद को मरवाने पर लगाएं। तो वजीर आला की अप्रोच इस तरह हो, वजीर आला मसलहत पसंद हो। अब वजीर आला वजीर दाखला नहीं है, बदकिस्मती से वजीर आला बलूचिस्तान अभी तक वजारत आला को भी वजीर दाखला टाइप पर चला रहा है, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। अभी जो डायरेक्टर कॉलेजेस नया लाए हैं, इसकी बड़ी अच्छी रेप्यूटेशन है। पिछले वाले का तो मैंने उस वक्त कहा कि भाई कोई अच्छी इंटेंशन उस साहब की नहीं थी। और हाँ, एक और अहम बात कि भाई जो स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं ये बैन सूबाई स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटियों के, जब से बलूचिस्तान बोर्ड और डायरेक्टर वालों ने लेना शुरू कर दिया है, आपकी जो स्टूडेंट जाते हैं पहला सेमेस्टर भी पास नहीं कर पाते, क्यों, सारे सिफारिश और पैसे की बलबूते पर जाते हैं, टेस्ट महज एक फ्रॉड होता है जिसकी वजह से ये इश्यूज बनते हैं। जब स्कॉलरशिप्स बीफ के थ्रू हो रहे हैं तो आप उसको बीफ के थ्रू कनेक्ट क्यों नहीं करते हैं, और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि बीफ में चलो अभी वाला है इसकी अच्छी रेप्यूटेशन है, इससे पहले वाले की भी थोड़ी बेहतर थी एक दो से, लेकिन अगर इसमें भी बलूचिस्तान की मेजॉरिटी ब्यूरोक्रेसी पता नहीं कैसी आ जाए, अगर वो आ गए तो फिर तो इसका भी पता नहीं है। अच्छी चीज़ जो है वो मेरे ख्याल में अच्छी सी है, चाहे पंजाब अच्छी सी हो चाहे वफाक की, कोशिश ये करें बलूचिस्तान जो बाहर की सीट्स वाले हैं या वो एग्ज़ाम है वो उससे कंडक्ट करवाएं, फिर पता चले। ये इन पे बदकिस्मती से ट्रस्ट नहीं है इनसे, फिर भी या कमीशन के थ्रू जाएं, कमीशन हमारा इतना एक्टिव नहीं है कितना जल्दी कर सके, या बीफ से कनेक्ट करें, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे TORs हूँ, यह है कि बीफ में जब आप वो करते हैं एक पैनल बिठाते हैं तो उनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ बेहतर करते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। तो गुजारिश फिर यही है कि ऐसे हमारे जो यूथ है वो अगर स्कॉलरशिप में भी उनके साथ फ्रॉड होगा और रिजर्व सीट्स में भी उनके साथ फ्रॉड होगा तो वो यकीनन मायूस होंगे, और कितनी बुरी बात है कि वो वहाँ जाके सिफारिश और पैसों के बलबोते पर जाते हैं, ये पहला सेमेस्टर नहीं क्लियर कर पाते और हो जाते हैं, फिर निकाल दिया जाता है, ड्रॉप हो जाते हैं।
तो ये वो बातें हैं जिस पर वज़ीर आला को, हुकूमत को गौरवगौज करने की ज़रूरत है और इसका कोई मुस्तकिल हल निकालें, ताकि हर चीज़ में जब शफाफियत होगी तो यकीन जाने ना कोई कलदम तंजीम चल पाएगी, ना कोई नौजवान उनको फिर उस तरह ज्वाइन करने का ख्वाहिशमंद होगा। जहाँ नाइंसाफ़ी होगी, पता चलेगा कि हर चीज़ यार बिकी हुई है, हर चीज़ बिकती है, हर जगह मेरिट की पामाली है, तो फिर मायूस होकर उस साइड पे चले जाते हैं। उम्मीद है इस पर हुकूमत तो जिस तरह कोशिश कर रही है, गो कि ये बहुत टफ स्टेप है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें, थोड़ी स्पीड तेज़ करें और इन चीज़ों का मुस्तकिल परमानेंट और मेरिट बेस हल निकालें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।